उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। अब भाई जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा मेरा किस्मत, अब वैसे ही इस वीडियो पे नहीं होता है, थोड़ा अलग हो जाता है। अभी हम लोग टेंट के पास मैंशन पे उतरे थे और यहाँ पे टेंट में कुछ बंदे थे, मतलब एक ही बंदा था, बाकी सारे तो बोट आने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं VSS का स्कोप ऑन करके देख रहा था और वो बंदा क्लियरली दिख गया, तो मैं उसको हेड शॉट से उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे एक बोट आता है जिससे कि मैं भाई मार देता हूँ, क्योंकि बोट का किल किसको नहीं चाहिए। अब गाइज आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, आप लोग कमेंट में बताना है कि मैंने इस वीडियो में करीबन कितने बोट मारे हैं, गिनते रहो, बहुत बोट मारने वाला हूँ। और बाय द वे इस गेम पे दो वीडियो है, तो बस देखते जाओ, दोनों में बहुत मज़ा आने वाला है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बोट निकल के आ रहे थे, और तभी भाई रियल बंदे भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हाथ में एक एम है, अगर मुझे मालूम होता तो भाई शायद मैं M4 पे स्विच कर लेता। और यहाँ पे मुझे लगा कि ये बंदा मर जाएगा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, डैमेज फुली डैमेज था ये बंदा। अब मैं अपने बंदे को बुलाता हूँ, भाई आ जा, लेकिन आ भी जाता है वो बंदा, बट ये मेरा क्या करो, कुछ किल्स टीममेट्स को भी देने पड़ जाते हैं। पीछे से एक और बंदा AKM चला रहा है, उसको भी देखेंगे बाद में, पहले इसको ख़त्म करके रिवाइव हो जाए। अब यहाँ मेरा बंदा मेरे को बहुत ईजिली रिवाइव दे देता है, और मैं उस पीछे वाले बंदे को देख रहा था और मुझे वहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा जहाँ से फायर हुआ था, तो मैं थोड़ा हाइट एडवांटेज लेना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे और बोट दादा आते हैं जिसे कि हम ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद मुझे एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है, और जिसे कि भाई लेट के स्प्रे देने का मज़ा ही कुछ और है। अब भाई क्या ही कर सकते इतने बोट, और यहाँ पे एक और बोट आ जाता है जिसका मेरे टीममेट किल चुराने के पूरे मूड में था, लेकिन क्या कर सकते यार, जो किल मेरे हाथ लिखा रहता है वो मुझे ही मिलता है। अब यहाँ पे और तो कोई बच नहीं रहा है मेरे ख्याल से, क्या पता और एक दो बोट आ जाए हमारे बाद, लेकिन अब उतना बात का कौन इंतज़ार करने वाला है, तो डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से। अब वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस जगह पर, और इस जगह पे दो बंदे आपस में पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैं एक को नॉक कर देता हूँ, दूसरा बंदे को देख रहा था, लेकिन भाई नागिन प्रजाति के लोग थे, वहीं पे सांप बना हुआ था, और जैसे ही मैं भाई स्कोप ऑन किया वैसे ही उड़ गया। अब ये बंदों को भी इजली मार देता हूँ, और यहाँ पे भाई ये देखो, मतलब बोट भी आजकल नागिन बनेगा ही। अब यहाँ पे और तो कोई था नहीं, तो इसी को थोड़ा बहुत लूट लेते हैं। और उसके बाद आता है एक मतलब बहुत ही मशहूर बंदा, जिसके भी मेरे ख्याल से 8-9 किल हो गए होंगे, क्योंकि इसका बहुत नाम आ रहा था वहाँ पे, क्या बोलते हैं भाई, किल फील्ड पे। तो यहाँ पे मैं उस पर देख रहा था कि कोई एंगल मिल जाए बाई चांस, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो अब तो भाई डायरेक्ट घुस के ही मारना पड़ेगा, और मेरे टीममेट भी आगे जा चुका है, तो अब पीछे तो हट नहीं सकते। तो मुझे जहाँ तक याद है ये पीछे इस वाले पेड़ पे था, लेकिन अभी इस वाले पेड़ पे नहीं, इस वाले पत्थर पे आ जाता है,
को भी मार देंगे जितना भी तुम प्रोन एंड शॉट या क्राउच एंड शॉट जो भी दे दो। इससे मुझे मिल जाती है बहुत ही अच्छी अच्छी वेपन, मतलब कि M24 और 6X। तो अब तुम्हारा भाई कहते ही तबाही मचा देगा गेम पे। अब वहाँ से हटने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे भाई लास्ट किल, मतलब मेरा लास्ट किल था ये। अब जो आखिरी बंदा बाकी है वो 1v2 नहीं करने वाला है, मेरा दूसरा टीममेट मार देगा उसको। तो अब उस आखिरी बंदे को ढूंढने में कितना मेहनत लगने वाला है, बस तुम लोग मिनी मैप के टाइमिंग से पता कर लो। अब यहाँ पे हम लोग उस बंदे को ढूंढ रहे थे, दो बार जो जोन शिफ्ट हो चुका है। अब भाई उसको ढूंढना मतलब क्या ही बोलूँ भाई, बहुत मेहनत वाला काम है। और मेरा ये बंदा अलग ही लेवल में भकचोरिया पेल रहा है, नेट फेंक रहा है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या फेंक रहा है भाई। इसी बीच एक मेरा गाड़ी ठोक जाता है और इसको वो बंदा भी स्पॉट हो जाता है। और जब तक मैं गाड़ी से उतर के उस बंदे को खोजता हूँ तब तक कते ईजी सा चिकन डिनर मिल जाता है। अब चलो, अब ये तो हो गया भाई अपना 12 किल्स के साथ चिकन डिनर। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं इस वाले मैच पे। अब इस वाले मैच में भी हम लोग वैसे ही करते हैं, टेंट के पास पे जो घर पड़ रहा था वहीं पे उतरते हैं। मगर भाई क्या ही किस्मत पाई है, एक पिस्तल मिलती है सिर्फ और सिर्फ, और मेरा बंदा भी फायर वायर कर देता है। तो अब वो तो अच्छा हो भला हो इस बोट का कि यहाँ पे आके मेरे को UMP 4.5 दे देता है। तो अब भाई तबाही मचाएंगे हम लोग यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे ज़्यादा बंदे बच नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ दो ही बच रहे थे। तो मुझे एक बंदा, ये पीला वाले कलर पे एक बंदा दिखता है, मगर वो तुरंत ही कहीं और चला जाता है। तो अब भाई देखना पड़ेगा वो बंदों को भी। अब भाई आप लोग दोनों गेम प्ले मिला करके बताने मेरे कितने किल हो, मतलब कितने बोट मारे हैं मैंने। अब यहाँ पे मेरे को दोनों बंदे दिख जाते हैं और भाई एक ही स्प्रे पे क्या ही लपेटा है मैंने। अब यहाँ पे एक बोट भी आ जाता है जिसे कि भाई मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लूट वूट कर ही रहा था कि भाई एक और बोट आता है, देख रहे हो भाई, मतलब कितने बोट आएंगे यार। इसको भी भाई, बोट का किल किसको नहीं चाहिए, कौन छोड़ता कौन है बोट का किल, इसको भी छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मैं गाड़ी में भी आता हूँ एक और थैंकी नाम का बोट मिल जाता है, और उसके बाद भाई ये देखो, मतलब भाई क्या ही कर सकते, ABCD 1 2 3 भाई। बोट के नाम भी बिल्कुल अजीब ही गरीब होता है। और वहाँ पे कोई और बच नहीं रहा था तो हम लोग आ जाते डायरेक्ट इस जगह पे, और इस जगह पे भाई होने वाला है तबाही, मचने वाला है तबाही होने वाला है। अब हम लोग यामाहा की सस्ती नहीं बहुत महंगी कार है भाई ये, मतलब बाइक है। अब ये वाली बाइक पकड़ करके हम लोग आते हैं और यहाँ पे भाई तुम्हारा भाई सही रिफ्लेक्स दिखाने वाला है, बस देखते जाओ। अब यहाँ पे मेरे टीममेट को बंदे स्पॉट हो गए थे तो मैं भी बंदे स्पॉट करता हूँ और मुझे दिख भी जाता है भाई ये क्लियर हेड था, पता नहीं क्यों हट गया, और ये भी क्लियर हेड था भाई। उसके बाद मुझे वो पिंक ड्रेस वाला बंदा फिर से दिखता है भाई, जिससे कि मैं एक बॉडी शॉट मारता हूँ। लेकिन भाई हर बार गुलाबों को नहीं छोड़ सकता ना, एक क्लियर हेड शॉट मार के उसको कहते ईजिली नॉक कर देता हूँ। और अब पाई है रश करने की, क्योंकि अगर मैं पैदल जाऊंगा तब तक भाई रिवाइव सब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट घुस जाता हूं बाइक लेके, और भाई यहां पे मेरे साथ देखना मेरा क्या ही कटने, मुझे लगा यहां पे तो 4-6। भाई ये देखो भाई, वो तो भला हो मेरे टीममेट का कि कवर फायर में था मैं, वरना भाई मैं तो यहां पे खत्म था यार। अब वहां से हम लोग निकल करके आ जाते इस जगह पे, और इस जगह पे एक गाड़ी खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता बंदे हो, लेकिन फिर मेरे टीममेट उतर जाता तो मैं ड्राइविंग सीट में बैठ जाता हूँ। अब यहाँ से जैसे ही मैं उड़ता हूँ वैसे ही भाई वो नागिन, लिटरली दो नागिन करते हुए दिख जाते हैं मेरे को, और भाई क्या ही डैमेज दे दिया है। अब मेरा टीममेट एक को नॉक कर देता है और बंदे में वो भी नॉक हो जाता है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन 1v1 का था, तो अब देखते जाओ भाई, मेरे को दिख नहीं रहता बंदे। उसके बाद वो बंदा खुद ब खुद उठ के आ गया और मुझे लगा कि रेज के पीछे चले गए, लेकिन भाई उसका थोड़ा सा गन ग्लिच हो गया, ये बुश पे दिख गया। क्या ही कर सकते हैं भाई इस कैंपस का। अब भाई यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था और वो ड्रॉप के वजह से भाई पूरा गेम प्ले ख़राब हो गया, लिटरली सच बता रहा हूँ। यहीं पे आखिरी के 4 बंदे और थे, और भाई थर्ड पार्टी क्या होता है तुम लोग इस गेम से जानने वाले हो भाई। मज़ा आ गया था, मतलब मैंने तो नहीं किया था, जिन लोगों ने किया होगा वो लोगों करके मज़ा सा आ गया होगा भाई। अब भाई मेरे बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, तो भाई थोड़ा ना अभी
यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो गया था, तो मैं भी आता हूँ अपना ही एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। और इसका दूसरा AUG वाला बंदा भी मेरे को दिख जाता है, तो मैं थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ। लेकिन भाई इसको कहते हैं थर्ड पार्टी, भाई क्या ही कर सकते, किस्मत ही ख़राब है। आज क्रेट ओपनिंग में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन भाई छोड़ो, ये सब तो होते रहता है हमारी भगचौदी। अगर भाई तुम लोगों को ये दोनों वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना। और गाइस आप लोगों को एक चैलेंज मिला है कि मैंने कितने बोट मारे हैं, तो उसको भी पूरा ज़रूर कर देना भाई। कमेंट बता दियो कि कितने मैंने बोट मारे दोनों गेम प्ले को मिला करके, या अलग अलग बताना चाहते हो तो अलग अलग बता दो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।